बिसमीम्समैकम कैसे हैं व्यूर्स ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक और भले चंगे तो हमने कहा जी बकरा ईद की बिल्कुल आमद आमद है तो चंद जी तमाम वेड़ों से मुलाकात कराएं तो आज का खैर सब से मुलाकात की और ये था वेड़ों का और बकरों का छतरों का इजलास जिसमें आंटी इफराम मधु थीं और मैंने भी फुल फुल इन्जॉयमेंट की मौसम बड़ा ही गज़ब का था मैं कह चलो जी आयो जी सारों से मिलते हैं मुलाकात करते हैं तो ये था हमारे लाहौर का बड़ा ही ख़ूबसूरत मंजर और ये थे दरख्त की शताबियाँ और लहरातियाँ बिल्कुल सुकून दे रहा था और दिमाग जिसने भी ख़राब किया था ना तो दिमाग मेरा हो गया था एकदम चिल तो आजकल भाई भई आंटी को आंटी के बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं बहुत सता रहे हैं बहुत खपा रहे हैं यकीन करो अगर ये छोटे होते हैं ना तो मैंने इन्हें दरवाज़ा बंद करके ना इनको चंडे मारनी थी तो ये मोहल्ले में बैठा आया तो मेरे भाई बैठे हुए थे तो मैंने उनसे पूछा भाई मारता तो नहीं है कहता नहीं नहीं जाओ तो कुछ नहीं कहता कुछ नहीं कहता हाँ तो मैंने कहा जाके मैं कैसे प्यार की बातें करूँ तो माशाल्लाह ये था कि घास वगैरह लगी हुई थी और माशाल्लाह जानवर भी बहुत खुश थे और जो जानवर लेकर आए वो भी बहुत खुश थे कि जो जहाँ जहाँ थे वहीं बांधा और खा लिया ये मेरे प्यारे से मोहल्ले की बेटी है माशाल्लाह इसको आपने दो तीन वीडियोस में देखा इसके पापा कह रहे थे इसको भी शहजादी को भी लो तो मैंने कहा इंशाल्लाह ईद पर भी लेंगे और आज भी ले, ले लेते हैं तो थोड़ी सी ना अफसरदा अफसरदा थी तो थोड़ी सी डर रही थी मुझसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है ना तो काफ़ी दिनों से घर से बाहर नहीं निकली तो आज निकली तो थोड़ी डर रही थी मुझसे फिर उसके पापा लेकर आए और उसको हमने कहा कि चले जी हाय बाय करें हाय बाय तो आंखों में बेचारी के मट्टी चली गई थी माँ सद के जाऊँ फिर वेड़े के पास आई दो मुलाकात की दो बातें की मैं कहा चल तेरी मर्जी मैं घर नहीं आना कोई बात नहीं घबराने की कोई बात नहीं है अलहमद तो ये जनाब जी अब सारे पाकिस्तान में तमाम जितनी मेरी बहनें हैं वो यही काम कर रही हैं जो मैं काम कर रही हूँ फ्रिज की सफाइयाँ सुथराइयाँ नीटनेस तो ये हमने फ्रिज की की है सफाई सुथराई और ये देखे माशाल्लाह माँ सद के जाऊँ मेरी इफ्रा तुमने इतना अच्छा साफ किया और मैं सद के जाऊँ ऐ मेरे हस्बैंड ने किया इसके शीशे बड़े नाजुक है ना तो कहते तेरे हाथ में ना वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं चुल है तो टूटना जाए तो फिर मियाँ ने ये सारे शीशे निकाल के दिए फिर मैंने इसको बड़ी मोहब्बत के साथ वॉश किए फिर इसको हमने लगाया मैं कह इसको लगाते हैं फिर इसके मेरे सारे प्लास्टिक की शीटें धोई हैं जो मैंने बाहर धूप में डाली हैं और नीटनेस चेक करें और कूलिंग चेक करें और अभी लाइट बहुत रही है ये देखें मेरा पना देखें कैसे मैंने तार पे फैलाएं माशाल्लाह और मेरी माँ मुझे देखे ना तो मेरी माँ खुश हो जाए माँ के पास मोबाइल ही नहीं मारी जो टच मोबाइल हो तो हमारी माँ हमें देखें तो हमारी माँ के पास है बटनों वाला मोबाइल वो भी सोता पेंट चलता ही नहीं तो मैं कहा अभी चलो जी मेरा चैनल चल गया ना तो इन आपको मोबाइल लेके दूँगी पहले मैं आपको लेके दूँगी बाद में मैं खुद लूंगी तो वॉइस ओवर कर रहे हैं तो मोबाइल की भी जो है ना बैटरी ऊपर नीचे हो रही है लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है ओहो ये मैंने कितनी मोहब्बत के साथ मेहनत के साथ बिछाया और सारों को आख दिया कि अब तमीज़ के साथ इसमें चीज़ें रखनी है और तमीज़ के साथ उसमें से चीज़ें निकालनी है और रखनी है तो ये ले जी फिर आ गया बकरा मेरे दरवाजे पे माँ सदके जवा मेरे दरवाजे थे वो आंटी फिड़ा के शदाई हो गए बकरे भी तो मैंने कहा चले जी ये बेटी लेकर आई थी मेरे मोहल्ले की बेटी है माशाल्लाह तो ये लिए थे उन्होंने बकरे तो वो दिखाने हैं मेरे पास देखिए हमने जोड़ी ली है मैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है फिर तो मैंने हाथ से फेरा मैं कहा चलो कुर्बानी नहीं की जानवर की कमर पे हाथ फेर के सवाब ले लें बाकी अल्लाह ताला कबूल करे और मेरी ये दिल से दुआ है मेरे जितने बहन भाइयों ने जितने भी जानवर लिए और जिस मोहब्बत से लिए अल्लाह ताला इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल करे और ये कुर्बानी कबूल करे और ये आखिरत में आपकी सवारियाँ बने इंशाल्लाह शह पुल्सरात की सवारियाँ बने ये जी बकरे इसको मैंने आखा हाँ जी की हाल चाल है ओ भाई मेरी शक्ल देखता रहा मैंने था क्या किया आज मैंने ब्लैक बाया और साथ ही ना रेड कलर का ना ले लिया तो मुझे रेड कलर का इंस्टॉला नहीं लेना चाहिए था क्योंकि वो भाई मेरे रेड से बहुत वो हो रहे थे तो मैंने कहा चले जी कोई बात नहीं मेरा साहब नाराज थे उन्होंने पीछे मूव किया था मैं कहा ना आखो हमसे बंदे भी नाराज तुम भी नाराज तो वो हमारी मामा कहती हैं तुम रुठे तो हम छूटे तो ये बच्चे थे माशाल्लाह कहते आंटी जामन खा ले मैं कहा ना जी ना जामन की तरफ बहुत हैं मेरी मोहल्ले में इंतहा है पर इतफाक़ की बात है मुझे जामन खाना पसंद नहीं है हाँ मुझसे नहीं खाए जाते खा लेते हैं ज़बरदस्ती जब कोई ज़बरदस्ती आँखें तो खा भी लेते हैं ये बेचारा बैठा था बेचारा नहीं ये सोना जी आप बकरा नीचे बैठा मैं कह ना जी आप इसे ना उठाएँ मैं इसके पास बैठ किन कदमों पर बैठ के वीडियो बनाऊंगी तो फिर माशाल्लाह ये बैठे हुए थे मैंने पूछा इनसे क्या हाल चाल है ठीक है आप कोई बात नहीं परेशान की नहीं आपको पंखा शंखा लगा के दिया है मैंने ठंडा ठंडा चल हमने अपने जानवरों को ना जितने भी मेरे भाइयों ने लिए ना जानवरों हमने उनको कूलर और पंखे लगा के दिए और खुला रखा है और इनको रस्सियाँ बांध दी हैं और इर्द गिर्द इनके दरख्त लगाए हैं मर्जी है ऊपर से करके खा लें मर्जी है टप में से खा लें फ्री हैंड दिता है इन्होंने फ्री हैंड इंजॉयमेंट फुल 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 इन्जॉयमेंट अच्छा करीब नहीं गई मैं कह है ना मैंने ठोडी मार दे हले तो मैं बड़े कम करने कस्मे बड़े कम करने हैं तो जनाब जी वीडियो की नज़ाकत थी कि वीडियो पर वॉइस ओवर की जाए और हम फिर माशा हैं बैठ जाते हैं और ये था जनाब जिसको खाना छाना दे रहे थे ये देखें माशाल्लाह बच्चे भी बार बार खिला रहे हैं बार बार खिला रहे हैं तो अपना हिसाब कताब है और यह सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है ये भी सोच विचार कर रही हैं कि पाकिस्तान के हालात और उनकी मशीत कब सही होगी मैं भी इनसे पूछ रही हूँ कब सही होगी आंटी फ्राको कैंटीन कब मिलेगी कब माशाला से मेरा कारोबार रवा दवा होगा तो यही भी सोच विचार हो रहा था मैं कह जी हथ छत फेर लिए पूछ लिए कि हाल चाल है तो बेचारे ये भी सोच रहे हैं तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले हम सभी अच्छे होंगे ज़बरदस्त होंगे और मैं कहती हूँ कि अपने वतन पाकिस्तान में और मेरी बहनें आप भी अपने बंदों के साथ हेल्प करें अगर पढ़ी लिखी हैं तो कंप्यूटर के बटनों को टच टके उस पर कुछ कर लें हाँ जी मैं ये कहती हूँ अपने वतन में करें मत जाएँ बाहर मत जाएं इतना कुछ बेच बूझ के मत जाएं अगर दीवारों के प्लस्तर नहीं हुए तो कोई बात नहीं मत परेशान हो जाएंगे सब हो जाएंगे अपने पाकिस्तान में रह कर मेहनत करें और अपने बीवी बच्चों को खुश करें और इन श्ला सब आसानियाँ हो जाएंगी और अल्लाह का बड़ा एहसान है अल्लाह ख़िला तो हो रहा है और ये आ गई है मुर्गियाँ तो वीडियो अच्छी लगी व शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें इन श्ला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खुश रहें और खुश रहने दें और जनाब जी जो मेरी वीडियो देखेंगे तो वह छति छेती कोश भेज देना अल्लाह हाफिज़